राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित ब्यावर में प्रतिवर्ष बादशाह की सवारी धुलंडी के अगले दिन निकाली जाती है। इसे बादशाह का मेला भी कहा जाता है। इसमें बादशाह अकबर के नवरत्नों में से एक सेठ टोडरमल अग्रवाल की सवारी निकाली जाती है। कहा जाता है कि बादशाह अकबर ने एक बार खुश होकर अपने नवरत्नों में से एक सेठ टोडरमल को 2.5 दिन का बादशाह बना दिया था। इसी खुशी में बादशाह बने टोडरमल ने हाथी पे सवार होकर प्रजा के बीच घूम घूम कर सोना, चांदी, हीरे जवाहरात और अशरफियां लुटाई थी। इस दौरान टोडरमल के बादशाह बनने की खुशी में बीरबल बादशाह टोडरमल के हाथी के आगे नृत्य करते हुए चल रहे थे। सेठ टोडरमल की इस 2.5 दिन की बादशाहत की याद को जीवित रखने के लिए प्रत्येक वर्ष धुलंडी के अगले दिन बादशाह की सवारी निकाली जाती है। 1851 में प्रारंभ हुई कौमी एकता की प्रतीक यह बादशाह की सवारी, जिसे बादशाह का मेला भी कहते हैं, सभी समुदाय के लोगों का त्यौहार है। इसका आयोजन ब्यावर के अग्रवाल समाज द्वारा प्रशासन के सहयोग से किया जाता है, जिसमें बादशाह को सजाने संवारने का कार्य माहेश्वरी समाज के बंधु करते हैं, ठंडाई बनाने का कार्य जैन समाज का होता है और बीरबल के रूप में सवारी के आगे नृत्य की परंपरा ब्राह्मण समाज का व्यक्ति निभाता है। सवारी के लिए एक ट्रक के ऊपर सिंहासन पर जो व्यक्ति बादशाह का रूप बनाते हैं उन्हें बिठाया जाता है। पूरा ट्रक गुलाल की पुड़ियों से भरा होता है। सवारी की रवानगी से अंत तक बादशाह और वजीर खजाने के रूप में ट्रक में भरी गुलाल लुटाते रहते हैं। इस दौरान माहौल गुलालमय हो जाता है। पूरी यात्रा के दौरान बादशाह द्वारा फेंका गया गुलाल ही गुलाल दिखाई देता है। बीरबल बने व्यक्ति इस ट्रक के आगे आगे नृत्य करते हुए चलते हैं। लोग बादशाह के हाथ से मिली गुलाल की पुड़िया यानी बादशाह के द्वारा दी गई खर्ची को अपने घर ले जाने के बाद सहेज कर रखते हैं। ब्यावर के स्थानीय लोगों और सालों से बादशाह की सवारी में आने वाले लोगों का मानना है कि बादशाह द्वारा मिली खर्ची यानी गुलाल की पुड़िया उनके घर में सुख, शांति और बरकत देती है। इसलिए बादशाह से खर्ची पाने के लिए हजारों की संख्या में सभी वर्ग के लोग शामिल होते हैं। ब्यावर के लगभग 100-150 किलोमीटर आसपास क्षेत्रों के विशेषकर ग्रामीण अंचलों के लोग समूह में ढोल और चंख की थाप पर होली के मधुर गीतों के साथ नाचते गाते मेले की शोभा बढ़ाते हैं। चारों ओर सिर्फ गुलाल ही गुलाल से ढके चेहरे नजर आते हैं। सवारी जिस जिस रास्ते से निकलती है पूरे रास्ते पर गुलाल की परत छा जाती है। मार्ग में स्थानीय लोग घरों की छतों पर चढ़कर सवारी का आनंद लेते हैं और गुलाल की पुड़िया लूटते हैं। बादशाह की सवारी अपने निर्धारित मार्ग से होती हुई शाम के समय उपखंड अधिकारी कार्यालय पर समाप्त होती है। उपखंड कार्यालय परिसर में उपखंड अधिकारी और बादशाह एक दूसरे पर गुलाल फेंकते हैं। यहाँ बादशाह उपखंड अधिकारी को नगर के विकास का आदेश देते हैं। इसके बाद उपखंड अधिकारी बादशाह का सम्मान करते हुए राजकीय कोष से बीरबल को नारियल और मुद्रा के रूप में नजराना पेश करते हैं। यह आदेश ब्यावर के संस्थापक कर्नल डिक्सन के समय से प्रभावी है। बादशाह की सवारी से पहले जिनगर समाज की महिलाएं और पुरुष पानी से होली खेलते हैं। महिलाएं पुरुषों पर कूड़े बरसाती हैं और पुरुष महिलाओं पर रंगीन पानी फेंकते हैं। ये होली ब्यावर के पाली बाजार चौराहे पर खेली जाती है। इस होली को देवर भाभी की होली भी कहा जाता है। यह होली सिर्फ आधा घंटा ही चलती है। हालांकि ब्यावर को बसाया तो एक अंग्रेज अफसर ने है,
लेकिन सेठ टोडरमल अग्रवाल की 2.5 दिन की बादशाहत की याद दिलाने वाला यह पर्व 1851 से लगातार पूरे उत्साह और उमंग से मनाया जाता आ रहा है। यह मेला ब्यावर को पर्यटन के मानचित्र पर भी विशेष स्थान दिलाता है। इस मेले की महत्ता को देखते हुए राजस्थान पर्यटन विभाग ने इसे पर्यटन मेले के रूप में मान्यता दे रखी है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, लाइक करके और कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और प्लीज़ हमारे वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर भी करें।